हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन विच इज़ वीट वेबल और इट इज़ कॉमनली नोन एज खपरा बीटल। और इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लास इट बिलोंग्स टू द क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर कोलियोपटेरा एंड फैमिली Dermestidae. This insect is distributed all over the India. Main damage is caused in UP, Haryana, Punjab, Rajasthan and Bihar. इसके जो host plant हैं वो हैं wheat, rice, maize, jawar, bajra और बाकी other grains जो हैं वो भी इसके host plant में आते हैं, क्योंकि ये stored grain का pest है। ठीक है, जनरल अपीरियंस की इसकी बात करते हैं तो अडल्ट की अगर मॉर्फोलॉजी हम देखते हैं तो ये इस तरह का पेस्ट जो है वो नज़र आता है। द अडल्ट इंसेक्ट इज डार्क ब्राउन ओवल बीटल, इट इज़ अबाउट 2 to 3 mm लॉन्ग। इसकी जो लेंथ है दैट इज 2 to 3 mm। द फीमेल आर लार्जर देन द मेल्स, फीमेल का जो साइज होता है वो बड़ा होता है मेल से। एंड द अडल्ट सर्वाइव फॉर 15 to 30 days, ये सर्वाइव कर सकता है। एंड इट हैज 10 to 12 जनरेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन, 10 to 12 जनरेशन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, लाइफ साइकिल इसकी जो है वो एग्ज़ाम में आती है, तो इसकी लाइफ साइकिल इम्पोर्टेंट है, इसको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे इसकी लाइफ साइकिल को। तो इसकी एंटायर लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है 34 to 76 डेज में। ठीक है, और अंडर जो नॉर्मल कंडीशंस इसकी 10 से 12 जनरेशन आ जाती हैं, 10 to 12 जनरेशन इसके आ जाते हैं। द अडल्ट कोपलेट जस्ट आफ्टर द एमरजेंस, तो इसमें सबसे पहले जो स्टेज आती है वो है एग्स, दीज आर द एग्स ऑफ द इंसेक्ट। एंड द फीमेल लेज एग ऑन ग्रेन्स और अपर सरफेस ऑफ द ग्रेन एंड द एग्स आर वाइट एंड सेमी ट्रांसपेरेंट, ये वाइट कलर के होते हैं और ये जो हैं ओवल होते हैं शेप में। ठीक है, और इनकी जो लेंथ होती है वो होती है 0.5 mm एंड फीमेल लेज अबाउट अप टू 150 eggs, 150 eggs जो हैं वो लेज करती है फीमेल। ठीक है, इसके बाद इसमें आता है नेक्स्ट स्टेज जो है दैट इज गर्भ, और गर्भ जो है दिस इज द गर्भ स्टेज। जो भी बीटल होते हैं उनकी लाइफ साइकिल में इंटरमीडिएट स्टेज गर्भ होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि बीटल के इंटरमीडिएट स्टेज कौन सी होती है या लार्वल स्टेज कौन सी होती है। ठीक है, तो गर्भ कैसे इन जो है एग से 5 से 16 दिन के इंटरवल के बाद जो है वो गर्भ स्टेज आती है, गर्भ एमर्ज आउट होता है फ्रॉम द एग्स एंड द गर्ल स्टार्ट फीडिंग ऑन द एम्ब्रियो ऑफ द ब्रोकन ग्रेन्स। द मेल गर्ब्स लार्वल पीरियड इज 19 to 28 डेज वाइल दैट ऑफ फीमेल इज 20 to 37 डेज। द फुल ग्रोन ग्रब इज अबाउट 5 mm इन लेंथ, जो कंप्लीट ग्रोन होता है वो उसकी लेंथ जो है 5 mm होती है, जबकि एग की कितनी थी 0.5 mm। ठीक है,
द इंसेक्ट हाइबरनेट इन दिस फॉर्म. ठीक है, देन इसके बाद आता है प्यूपा. दिस इज द प्यूपल स्टेज. दिस प्यूपा गर्भ प्यूपेट इन द डर्टी ब्राउन कलर्ड कोकून इनसाइड द ग्रेन. ये जो है गर्भ के बाद ये स्टेज आती है प्यूपा की. ठीक है, द प्यूपा रिमेन्स फॉर 4 to 17 days. 4 to 17 days जो है ये प्यूपा स्टेज रहती है इसकी. उसके बाद जो है वो अडल्ट एमर्ज आउट होता है, और अडल्ट जो है वो ग्रेन से निकल के आता है, जिसकी लाइफ साइकिल जो है, लाइफ स्पेन जो है वो 15 to 30 days है. 15 to 30 days. ठीक है, अब डैमेज की बात करते हैं. तो मेन डैमेज इज कॉज्ड बाय द गर्भ एंड द अडल्ट, क्योंकि जो लार्वल स्टेज है इसकी वो गर्भ है, और गर्भ और जो अडल्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं. ठीक है, इट मेनली अटैक वीट एंड समटाइम मेज राइस एटसेट्रा. ऑल्सो द गर्भ ईट अप द एम्ब्रियो ऑफ द सीड एंड द डैमेज इज मेनली कॉज्ड इन द अपर लेयर ऑफ द ग्रेन्स. जैसे हम भंडारण करते हैं तो टंकियों में जो अपर लेयर होती है उसको ये डैमेज करते हैं स्टोर्ड ग्रेन को. तो अब इसको फिर कंट्रोल कैसे किया जाए? कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले द ग्रेन शुड बी ड्राइड एंड स्टोर्ड केयरफुली. स्टोर करने से पहले उनको ग्रेन्स को जो है ड्राई अप कर लेते हैं, जिससे कि उनमें मॉइस्चर कंटेंट्स कम रहते हैं और वो ख़राब नहीं होते. सेकेंड, इन केस ऑफ इन्फेस्टेशन अपर लेयर शुड बी रिमूव्ड. अगर हो भी जाता है डैमेज तो अपर लेयर को रिमूव कर देना चाहिए. और नेक्स्ट थर्ड वन इज द अडल्ट एंड द गर्भ कैन बी ट्रैप्ड बाय स्प्रेडिंग गनी बैग्स ओवर द इन्फेस्टेड ग्रेन्स. सो अडल्ट एंड गर्भ क्लिंग टू बैग्स फ्रॉम वेयर दीज आर कलेक्टेड एंड डेस्ट्रॉयड. ठीक है, तो इस तरह से हम स्टोर्ड ग्रेन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, स्टोर्ड ग्रेन के पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, इसके बाद जो है हम नेक्स्ट पेस्ट जो है डिस्कस करेंगे. थैंक यू गाइस.